अस्सलाम वालेकुम, मैं शो के साथ आदिल हसन खान मौजूद है। आज सियाहत की और जिस तरीके से अभी भी मैं खड़ा हुआ हूँ, कहीं देखने के लिए गया हूँ, बट ऐसी चीज़ें अगर आप कहीं घूमने पे जा रहे हैं, कहीं चीज़ें डिस्कवर कर रहे हैं, कोई नई चीज़ देखने जा रहे हैं, तो उसमें ज़रूर ऐसा होना चाहिए कि वो फ्रूटफुल हो, यानी आपके लिए अच्छा हो, आप किसी के लिए कोई नई चीज़ इजाद कर रहे हो, दरियाफ्ते हो, नए वसाइल देख रहे हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जो कि दूसरे लोगों के लिए अच्छी हो या आपके लिए अच्छी हो। इसी तरह एक मैं बतूता, जिसका नाम तो सबने सुना होगा, तुंजा का रहने वाला था। इसने तमाम बिला सद इस्लामिया का सफ़र किया। इसके अलावा इसने इस वक्त के मालूम दुनिया के अक्सर ममालिक का सफ़र भी किया। इसने तनह तनहा 21 साल की उम्र में एक खच्चर पर बैठकर अपने सफ़र का आगाज़ किया था, लेकिन यही सफ़र आगे चलकर जा बजा दरियाफ्तों और हैरत अंगेज हकाइक की बिना पर तारीख बन गया। इब्ने बतूता का सफ़र 29 साल तकरीबन 5000 मील पर मुहित था। इब्ने बतूता जहाँ जहाँ गया, इसने वहाँ के सियासी, माशी, माशरती निज़ाम से सीर हासिल की बहस की और इसे अपने सफ़रनामे में रकम किया, जिसका नाम तोहफ़तुल नज़ार फिल ग़राइबुल मसारिबुल अजाइबुल असफ़ार है। ये सियाहत हमेशा से इंसानी जस्तजू और मुहिम जोई का ज़रिया रहा है और हमेशा इंसान इससे नई नई दरियाफ्तें और खोज करता रहा है। मगर ज़माने कदीम में सियाहत एक पुरमशक्क़त सफ़र का नाम था, मगर फ़िलहाल जदीद दौर ने पूरी दुनिया को एक विलेज बना के रख दिया है, गाँव में तब्दील कर दिया है इस तरीके से, यानी आप एक दूसरे से कहीं भी जल्द से जल्द और फास्ट मूविंग एरोप्लेन और किसी भी तरीके से आप पहुंच सकते हैं, तो सफ़र का काफ़ी आरामदेह हो गया है। जदीद वसाइल में बरसों की मुसाफत को हफ्तों में समेट दिया है, मगर अब भी इंसानी जस्तजू और तहकीकात का सिलसिला जारी है। मुहिम जोई और पुरखतर असफार दरअसल इंसानी जस्तजू का पूरा करते हैं। इंसान की इल्मी जस्तजू, नई नई चैलेंज का सामना करना, उनसे सबक हासिल करना ही इसकी तहकीकाती अमल को पूरा करता है। सियाहत से बेशुमार नए वसाइल और इजादात के दरवाजे खुले हैं, वहीं बड़ी बड़ी तारीखी और पुरशिकवा इमारतें जवाब जो अब खंडरात की शक्ल में मौजूद हैं, बाइसे इबरत और मौजूद बनी हुई हैं। सियाहत ने बेशक नई दरियाफ्तों, इजादात और नए वसाइल दुनिया के पेश किए हैं और पूरी दुनिया को इस एक दूसरे से मरबूत कर दिया है। सफ़र की गैर रवायत और अगर तहकीकत और मुहिम जोई के साथ मौजियत और इबरत हासिल करना हो तो सोने पर सुहागा है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ शेर तफरी हो तो ऐसे असार से कोई इजाद और दरियाफ सामने नहीं आएगी। और बहुत से लोग मैंने देखे हैं अपनी जवानी और अपना उम्र इसमें ज़ाया कर रहे होते हैं कि सिर्फ सैर और तफरी कर रहे होते हैं, जबकि इसमें बहुत ज़्यादा आप कोई बिजनेस का सफ़र कर सकते हैं, बिजनेस उसमें से निकाल सकते हैं, कोई मीटिंग्स कर सकते हैं उसी दौरान अपने सफ़र में, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं, नई चीज़ें दरियाफ कर सकते हैं और बहुत ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि आपके सफ़र के साथ, आपके हॉबीज़ के साथ, आपको नई नई चीज़ों के साथ किसी तरीके से आपका वो दूसरों के भी काम आ जाएगा और आपके भी काम आ जाएगा। तो अगर सिर्फ मकसद सैर तफरी हो तो इससे कोई दरियाफ़ सामने नहीं आएगी और ना ही नए वसाइल का कोई सर हाथ आएगा, ऐसा सिर्फ वक्त का ज़िया कहलाएगा। तो बेहतर है कि आप लोग सेहत करें, तफरी करें, पाकिस्तान टूर पे जाएं, वर्ल्ड टूर पे जाएं, हर जगह जाएं, मगर उसके लिए कोई मकसद हो पीछे, कोई आपकी मीटिंग्स, कोई नई दरियाफ्तें, कोई नई कोई दुनिया को खोजना, दुनिया के लोगों से मिलना, वो किस तरीके से काम करते हैं, चाइना, अमेरिका, कनाडा वगैरह के लोग किस तरह से काम करते हैं, वो तमाम चीज़ें आपको पता चलनी चाहिए, आप में खुद ही यानी उस चीज़ों को दरियाफ्त करना चाहिए, तो आपके लिए बहुत बेहतर है कि आप की हॉबीज़ भी पूरी होंगी, सियाहत भी होगी, सैर तफरी भी होगी और आप कोई फ्रूटफुल काम भी कर सकेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में, हुनर मैन शो में। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।